श्री श्रद्धा धाम आश्रम शाहपुर कंडी में आज गुरु पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह श्री रामायण जी के पाठ का भोग डाला गया। इसके बाद गुरु महाराज स्वामी दिव्यानंद जी द्वारा आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बीमारियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने करीब 700 मरीजों का चेकअप किया तथा जरूरतमंद मरीजों को आश्रम की तरफ से फ्री दवाइयां भी दी गई। इस अवसर पर गुरु महाराज की पालकी के साथ गुरु महाराज की अगुवाई में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह रथ यात्रा पूरे शाहपुर कंडी इलाके में निकाली गई। इसके उपरांत 1008 महामंडेश्वर स्वामी जी दिव्यानंद महाराज ने श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि गुरु की पूजा से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के सार से साक्षरता होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा की विशेष महत्व बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार गुरु मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अपने शिष्य के जीवन में ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं और अपने शिष्य के सफल जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन करते हैं। सारी संगत नु गुरु पूर्णिमा महाउत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मे श्री गुरुवे नमः। गुरुमुख वेदम, गुरुमुख नादम, गुरुमुख रेहा समाये, गुरु ईश्वरु गुरु गोरखु ब्रह्मा गुरु पार्वती माये। जिसने की गुरु की पूजा, शेष रहा कोई देवना को दूजा। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु रे पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु रे कृपा। आज श्री श्रद्धाधाम शाहपुर कंडी में गुरु पूजा के महाउत्सव उपलक्ष में महान संत समागम का आयोजन किया गया है एवं फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम आई और उन्होंने कोई 700 के करीब मरीजों को फ्री चेकअप किया एवं श्री श्रद्धानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से फ्री दवाइयाँ बांटी गई। तो हम यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार निरोगी रहे, एक संत सारे संसार के प्रति यही भावना रख सकता है कि इस भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सब निरोगी आरोगी रहें, स्वस्थ रहें और सतगुरु की कृपा सदैव बनी रहे। गुरु पूजा साल में एक बार आती है। गुरु पूजा के दिन गुरु नामी को गुरु पूजा करने के लिए अवश्य पहुंचना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, तभी गुरुमुख बनने का लाभ है, फायदा है। हरिओम नारायण।